नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने लैपटॉप के रैम को कैसे बदल सकते हैं, कैसे चेंज करना है, रैम को निकालना कैसे है और नए रैम को डालना कैसे है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को ऐसा उल्टा घुमाकर रख दें और उसके इस छोटे ढक्कन को खोलें। पूरे स्क्रूज खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर ये 3-4 स्क्रू खोलने से ये छोटा ढक्कन बाहर आ जाएगा। तो आप इस छोटे ढक्कन को, ये 3-4 स्क्रू, इन 3-4 स्क्रूज को ओपन करके खोल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रैम है और इस रैम को निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये जो दो क्लिप्स दिख रहे हैं उन्हें आराम से अपने दोनों हाथों से पकड़कर दोनों तरफ खींचना है। तो आप देखेंगे कि ये रैम आपका ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आ गया है और अब आप इसे अपने दोनों हाथों से आराम से पकड़कर खींचकर निकाल लें। पहले इस लैपटॉप में मुझे 2 GB रैम था और अब मैं इसमें 4 GB का एक रैम डाल रहा हूँ। तो डालने की भी विधि बहुत आसान है। डालने के लिए आप उसके स्लॉट में उसको इस तरीके से फंसा के और इंसर्ट कर दें और सिंपली ऊपर से एक बार दबा दें। दबाते ही वो क्लिप अपने आप ऑटोमेटिकली उसे पकड़ लेगा और अब आपका रैम लग चुका है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ट्रिक्स, टिप्स या टेक्निक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।